बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। Hey guys, welcome back my new video। और ये आपको आज थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तालाब ऐसा है जहाँ पे पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ, ना ठंडी में ना गर्मी में, कभी नहीं ख़त्म हुआ। हमारे मामा के गांव के कुछ ही दूर पास है, लेकिन यहाँ पे किसी को आने भी नहीं देते। आज मैं मतलब पहला ब्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ बताया जाए। और ये देखिए तालाब कितना बड़ा है, और ये देखिए कितना अच्छा भी लगता है यहाँ पे। ये देखिए पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को तालाब में पिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पे चार हादसे हुए हैं दोस्तों, चार, दो भैंसे डूब के मरी हैं और दो बच्चे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, दो भैंसे दो बच्चे। और यहाँ पे मतलब पिछले लोग जो बूढ़े लोग एजेड लोग हैं, हमारी नानी जैसे 90-90 साल की हैं, उन्हीं से पूछा गया तो बताई कि हाँ बेटा वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। और ये देखिए हमारे मामा के लड़के आए हुए हैं, ये हमारे साथ में, ये देखिए ये दोनों, इन्हें से पूछते हैं क्या हुआ भाई इसमें, मतलब क्या सही है। सही है वो जो बता रहे हैं, वो सही, बिल्कुल सही है। इसमें बताया गया है जो ये दो बच्चों और दो भैंसों की जान गई है। हाँ भाई बिल्कुल सही बताया गया है। और आप बताइए राहुल भाई, क्या सही है इसमें? सही है, इसी मतलब ये हमारे मामा के लड़के हैं, तो इन्हीं की दादी बताती है, हमारी नानी जो कि वो बहुत मतलब 90 साल की हैं, तो वो कभी झूठ क्यों बोलेंगी। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। और दोस्तों यार मेरा सपोर्ट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए आँख में प्रॉब्लम है मेरे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ दिखाया जाए। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये सबको पता है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी ना कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। और आप मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।